आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। किसानों द्वारा किया चक्का जाम, मौके पर विधायक, तहसीलदार, जन प्रतिनिधि पहुंचे। विश्व की सबसे बड़ी मिर्च मंडी में किसानों द्वारा मिर्च नहीं खरीदने के कारण खरगोन सनावद रोड पर चक्का जाम कर दिया गया। मौके पर तहसीलदार श्री राम कनासे, नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, बेड़िया थाना प्रभारी सौरभ बाथम, मंडी सेक्रेटरी राधेश्याम सिरवी द्वारा मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला एवं पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश सोलंकी द्वारा अस्थायी मंडी क्षेत्र में पहुंचकर किसान एवं व्यापारियों से अलग अलग बात कर नवीन मंडी कार्यालय पर किसान प्रतिनिधि विजय चौधरी, मनोज बिरला और किसान साथियों और व्यापारी प्रतिनिधि अध्यक्ष समृत बिरला, ओम प्रकाश राठौड़ एवं व्यापारियों साथियों से अलग अलग बात कर मंडी सप्ताह में चार रोज किसानों से माल खरीदने, पानी की व्यवस्था, उचित व्यवस्था, तुलावटी की आईडी अनिवार्य, मंडी बनाकर देवे, कांटों के लाइसेंस नवीनीकरण सहित अन्य किसानों की मांग पर सहमति बनी और विधायक द्वारा अलग अलग कार्यों के लिए मंडी कर्मचारी नियुक्त किए। ये सभी कार्यवाही 8 रोज में जवाबदारी से पूरी करें, ये आदेश मंडी सचिव को दिए। तब मंडी में खरीदी बिक्री चालू हुई। बेड़िया से राजेंद्र नामदेव की रिपोर्ट। कि स्थायी जनप्रतिनिधियों को और सारे किसान संगठन मिलकर आपस में मांग कर रहे हैं कि भैया ये जो मिर्ची मंडी सरकार द्वारा जो बनाई है इसके आगे बढ़ाएं, इसकी लागत और अधिक सरकार दे जिससे कि मंडी की सुविधाएं बढ़े और लीगल तरीके से मंडी लगे, मतलब मंडी प्रांगण के अंदर लगे, ये हमारी मांग है, इसके हम प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला था और क्या निष्कर्ष निकला? मंडी के व्यापारियों ने 2 दिन मंडी चलाने का निर्णय किया जो कि पूर्णतः किसानों के हित में नहीं था। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने 4 दिन मंडी चलाने का आग्रह किया था, वो स्वीकार भी उन्होंने कर लिया था, लेकिन कोई विषय को लेकर कि हम लोगों को मंडी में भी बहुत परेशानी आ रही है, हमारा माल चोरी हो जाता है, पैसा नहीं आ रहा है, फिर अभी होली और रंग पंचमी है तो हमारे पास मजदूर नहीं है, विषयों को लेकर उन्होंने 2 दिन मंडी चलाने का निर्णय लिया। तो आज मंडी उन्होंने बंद रखने का निर्णय ले लिया जिससे किसान आक्रोशित हो गए और किसानों ने मेन रोड पर वहाँ पर बैठ गए और आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। मुझे सूचना मिली, हम हमारे साथियों के साथ मंडी प्रांगण आए, मंडी सचिव, तहसीलदार और सभी मंडी के कर्मचारियों से बात की, किसानों से बात की और निर्णय ये निकला कि हम लोग 4 दिन मंडी चलाएंगे, जिसको बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार ऐसे 4 दिन मंडी वापस हमारी चलेगी। और भी किसानों के विषय थे, पोटली का वजन ये कि जिस तरह से 5-7 पोटली अगर किसान मिर्च पैक करके लाता है, बांध के लाता है, तो उन पल्लियों का इन्होंने एक निर्धारित वजन कर रखा था। आज उस विषय को हमने हटा के सारी पोटलियाँ जब पुल जाए और खाली पल्ली रहे उन सभी पल्लियों को इकट्ठा कर लो और एक टोल कर लो और जितना मिर्ची का वजन है उसमें से पोटली के वजन को कम कर लो, ऐसा निर्णय एक बड़ा निर्णय लिया है। दूसरा, पोटली के तुलई के 10 रुपये पहले लिए जाते थे जो न्यायपूर्ण नहीं था, उसको 5 रुपये कराया है और उसमें भी पोटली अगर 1 क्विंटल की है तो 5 रुपये, अगर 1.5 की है तो 7.5, अगर उसका माल सभी पोटलियाँ मिला के एक किसान का माल 10 क्विंटल है तो 10 × 50 रुपये, इस तरह से ऐसे भी निर्णय। दूसरा, किसानों को पानी पीने का उपलब्ध नहीं था तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि मंडी में एक टैंकर चारों दिन लगातार चलता रहेगा और हमने 25 पॉइंट चिन्हित किए हैं, 25 जगह पर दो दो रंजन, 50 रंजन रखवाएंगे और वो टैंकर पानी उसमें दिन भर भरता रहेगा जिससे किसान वहाँ पर जाकर पानी अपना पी सके, क्योंकि गर्मी का समय है, पानी की अति आवश्यकता, वो भी एक निर्णय हुआ। और टोल काटों के पास पिछली बार हमारा निर्णय हुआ था कि टोल जो काटे लगे उनको 1 फीट ऊंचा किया जाए, क्योंकि पोटली अगर रखते हैं तो वो नीचे लटक जाती जिससे टोल प्रभावित होता था, उन सभी को हमने 1 फीट पहले ऊंचा कराया और अब सभी टोल काटों के पास 1 किलो का भाट रखने का निर्णय लिया है जिससे किसान को